ये है स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का जादू सबके सिर पर चढ़कर बोल रहा है। भारतीय तटरक्षक प्रमुख वीएस पठानिया ने कर्नाटक के बेंगलुरु में स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में अपनी पहली उड़ान भरी। उनकी उड़ान 45 मिनट की थी। उड़ान के बाद वीएस पठानिया ने स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की खूब तारीफ की। स्वदेशी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक तकनीकों के साथ एक उत्कृष्ट हेलीकॉप्टर है। सबसे बड़ी बात यह है कि LUH यानी कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर भारत में HAL द्वारा निर्मित किया गया है। HAL द्वारा निर्मित यह हेलीकॉप्टर सिंगल इंजन तकनीक से लैस है। इसकी पहली उड़ान 6 सितंबर 2016 में बेंगलोर में हुई थी। इस हल्के युद्धक हेलीकॉप्टर को HAL के रोटरी विंग R&D ने डिजाइन किया है। इस हेलीकॉप्टर की खासियत है कि ये मौसम की विपरीत परिस्थितियों में उड़ान भर सकने में पूरी तरह से सक्षम है। वैसे तो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर में कई तरह की खूबियां हैं और ये हेलीकॉप्टर काफी एडवांस और ताकतवर भी है। ये कई परीक्षण के दौर से भी गुजरा है और हर पैमाने पर ये खरा उतरा है। इसने परीक्षण के दौरान लेह से उड़ान भरकर 5000 मीटर की ऊंचाई पर दौलत बेग ओल्डी के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड उतरने का प्रदर्शन किया। इसके अलावा इसने एक अग्रिम हेलीपैड पर 5500 मीटर की ऊंचाई पर 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में इसका प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सियाचिन ग्लेशियर में अति ऊंचाई वाले हेलीपैड पर पायलट्स ने उसे उतारकर पेलोड क्षमता की भी जांच की थी और ये उस पैमाने में भी पूरी तरह से खरा उतरा था। आपको बता दें कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स सेना और तमाम सुरक्षा बलों द्वारा इसे अपने में शामिल किया जा रहा है ताकि ये अलग अलग ऑपरेशंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।